अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 12 का। इसमें कहता है कि कंपेयर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। कहता है कि हमने इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन का मतलब होता है कि हमने इनकी रेशियो फाइंड आउट करना है। तो पहले उसने कहा हुआ है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फोर्स, तो पहले मैंने लिख लिया इलेक्ट्रिक फोर्स। फिर उसने कहा है रेशो फाइंड आउट करें किसकी, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये साइन ऑफ इंटरोगेशन का मतलब है कि हमने ये चीज़ क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। एग्जर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का मास है इतना और चार्ज है इतना। मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रा कर दिया और इस ऑब्जेक्ट का मास है 10 ग्राम, और कहता है कि उस ऑब्जेक्ट का चार्ज है 20 माइक्रो कूलम। बाय एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट दैट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट। कहता है बिल्कुल वैसा ही एक ऑब्जेक्ट है जो कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो मैंने एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पर ड्रा कर दिया और इसका मास भी कहता है 10 ग्राम। कहता है आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, जब दो ऑब्जेक्ट आ जाएं तो एक को हम वन का नाम देते हैं, उस चार्ज चार्ज वन होगा, और दूसरे ऑब्जेक्ट को M2 और उसका चार्ज Q2 होगा। आइडेंटिकल है तो इसका मतलब है उसके ऊपर चार्ज की क्वांटिटी भी पहले चार्ज की क्वांटिटी के बराबर होगी। कहता है ये आपस में जो सेपरेट हैं वो एक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस वो कहता है ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। तो जो हम जब इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो हमेशा सेंटर से फाइंड आउट करते हैं, और इनका डिस्टेंस जो सा है ये है 10 सेंटीमीटर अपार्ट। तो ये हमारे पास उसने गिवन डाटा दे दिया है और जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो बता दी। अब सारा गिवन डाटा हम यहाँ पर लिख लेंगे। पहले का मास है 10 ग्राम, ऐसे यूनिट जो सा है मास का वो केजी है, तो इसको केजी में हमने कन्वर्ट करना है। तो 10 को 1000 पे डिवाइड करेंगे, तो जब 10 को 1000 पे डिवाइड करेंगे तो इसका मास आ जाएगा 0.01 kg। अब साथ क्या में लिखना पड़ेगा, केजी। हमने इसको 1000 पे डिवाइड करके इसको केजी में कन्वर्ट कर दिया। जो मास 2 है वो भी तो 10 ग्राम है, तो केजी में कितना आएगा, 0.01 kg। अब जो चार्ज है, ये चार्ज मेरे पास Q1 ये माइक्रो में है, 20 माइक्रो कूलम। तो चार्ज का जो ऐसा यूनिट है वो है कूलम। तो अब हम माइक्रो ख़त्म होना चाहिए, तो माइक्रो प्रीफिक्सेस है और इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -6 कूलम। इसी तरह चार्ज 2 भी आइडेंटिकल है, तो उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो भी क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 क्या होगा, कूलम होगा। फिर उनका दरमियानी डिस्टेंस जो सा है, आर जो सा हमारे पास है वो है 10 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का ऐसे यूनिट है मीटर, तो सेंटी को ख़त्म होना चाहिए, मीटर रहना चाहिए। तो सेंटर एक प्रीफिक्सिस है और सेंटी प्रीफिक्सिस की वैल्यू है 10 की पावर -2 मीटर। ये सारा गिवन डाटा हमने लिख लिया है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, एफ ई और एफ जी की रेशियो, कंपैरिजन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें एफ ई की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, एफ ई की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, फिर हमें एफ जी की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, और इन दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे तो हमारे पास वो आ जाएगा एज एफ ई जोन सा है ये के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। तो एफ ई K की वैल्यू क्या है, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू है 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। Q2 की वैल्यू भी उतनी है, 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, और बटे में जो सा आर आ जाएगा, और आर बराबर है 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 का स्केयर। तो जब सारी कैलकुलेशन, ये आपने कैलकुलेशन खुद करनी है, और कैलकुलेशन यहाँ पर आप करने के बाद जो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा वो है
Fe 360 न्यूटन, ये मेरे पास उसका फाइनल रिजल्ट आ गया। लेकिन हमें एफ ई नहीं चाहिए, हमें एफ जी भी चाहिए। तो फिर हमने देन एफ जी का फार्मूला, हमने ये फार्मूला तो हमने कूलम्स लॉ में ड्राइव किया हुआ था। ये फार्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है, जो कि 9th क्लास के चैप्टर में हमने, 5th चैप्टर में हमने पढ़ा था। ये बराबर होता है जी इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय आर सी। ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 में भी ये फार्मूला बताया गया है। तो एफ जी, ये जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू फिक्स होती है यार, ये हमें ज़बानी याद करनी पड़ेगी। और ये 6.673 मल्टीप्लाई 10^-11 के बराबर होती है। और यहाँ पे मैस मैस है 0.01, जो गिवन डाटा के अंदर है। और जो दूसरा मैस है वो भी तो आइडेंटिकल है, तो वो भी मैस उतना होगा। और इन दोनों मैसेस का दरमियानी डिस्टेंस जो कि 0.1 का स्केयर है। तो आपके पास एफ जी जो सा आ जाएगा 6.673 मल्टीप्लाई 10^-13 न्यूटन। अब ये मेरे पास एफ जी की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। हमने एफ ई और एफ जी की रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो एफ ई किसके बराबर है जो निकाला हुआ है, 360 बटे में जो सा है 6.673 मल्टीप्लाई 10^-13। तो जब आप इनका कंपैरिजन, इनकी डिवीजन करेंगे, तो आपके पास इसका आंसर आएगा 5.4 मल्टीप्लाई 10^14। अब आप से ये क्वेश्चन है कि इसके साथ यूनिट क्या आएगा, ये फोर्स का यूनिट न्यूटन है, इसके साथ यूनिट क्या आएगा, क्योंकि ये फोर्स एक जैसी एक फिजिकल क्वांटिटी की रेशो है, मींस के फोर्स ही की रेशो है, तो इनका यूनिट नहीं होगा। मींस के इसका यूनिट न्यूटन था और इसका यूनिट न्यूटन था, दोनों न्यूटन कैंसिल हो गए, तो देर इज़ नो यूनिट। शुक्रिया।